यथातरमूलनिषेचन तिप्पन्तितस्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वअर्हननम् अच्युतेज्ञा यथातरमूलनिषेचनेन तृप्पन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वअर्हननम् अच्युतेज्ञा गौरी गोस्वीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए भगवत कृपा साक्षात प्राप्त करने का कोई व्यवस्था नहीं है। गौरी गोस्वीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए भगवत कृपा डायरेक्टली कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तत्प्रकाश तत्शक्ति इत्यादि माध्यम भगवत कृपा ये जगत में जड़ जगत में वितरित होते रहते हैं। भगवान तत्प्रकाश तत्शक्ति इत्यादि माध्यम बद्ध जीवों को कृपा वितरण करते रहते हैं और इसीलिए संत महात्मा भगवान का निजी जन जगत में विचरण करते करते बद्ध जीवों को उद्धार करने का प्रयत्न में लगे रहते हैं। ये लोगों का काम ये है, दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। बद्ध दशा में जीव सोचते हैं कि शायद साधु गुरु वैष्णव उन लोगों को कोई सार्थ तो जरूर होगा, बिना सार्थ तो कोई कुछ करता है क्या, लेकिन ये बात सच्चा नहीं, ठीक नहीं। ये लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे परीक्षा करके देख लो। ये लोग का काम ही है कि जितना सारे बद्ध जीव है कैसे किसको उद्धार किया जाए। इसका प्रवचन के द्वारा कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी का ऊपर गुस्सा है, किसी को ठोकता है, किसी को डांटता है, शायद मास्टर जो है, ये बात पक्का नहीं, ठीक नहीं। ये लोग का एक ही काम है, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदीक्षितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति न्यूनम भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य। इसका प्रमाण भागवत से दे दिया, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदीक्षितस्य अनुग्रहाये हो चरन्ति नूनम भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य। नूनम निश्चितमेव, निश्चित रूप से इसका विचरण जगत का हित के लिए, मंगल के लिए, और कुछ नहीं है। इसका सारे जो शब्द ब्रह्म हैं जवान से निकलते हैं, एक एक शब्द ब्रह्म हमारा मंगल के लिए काफी है, काफी है। उस दिन चर्चा कर रहा था श्रीमद् भागवत जी महापुराण, इसी में श्रीमद् भागवत गीता का एकदम वास्तविक जो कृपा गीता का, ये इसी में प्रतिफलित हो सकता, क्योंकि दोनों में अंतर ये है। गीता श्रीमद् भगवद गीता है तो ठाकुर जी का स्वयं जा स्वयं पद्मनाभस्व मुख पद्माद विनिर्षित रहा, इसका तो कीमत है ही है, साक्षात ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है, ठाकुर जी अपना बात कहने जाए तो ठाकुर जी पूरा बात कह नहीं पाते, क्योंकि शर्म आता है ना, अपना बात, अपना सौंदर्य, अपना कृपा, अपना सब कुछ गुनावली, कि स्वयं बोलने जाए तो शर्मिंदा हो जाते ठाकुर जी, बोल नहीं पाते। इसलिए कभी कभी गीता में देखो ये भी है, जो अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके बोलो मेरे भक्त, तो कभी अरे महाराज आप स्वयं बोलो, बोले ना हमारा बात कभी कभी टाल जाते हैं ना, कैसे
बोले हमने कुरुक्षेत्र युद्ध में ये प्रतिज्ञा किया कि हमने कोई अस्त्र शस्त्र कोई गोहन नहीं करेंगे, बस यही कोचवान बन के रह गए, अपना रथ को चलाएंगे बस यही। लेकिन बाद में देखा गया पितामह अभिष्य चैलेंज किया, पितामह अभिष्य ने बताया कि देखो आपको अस्त्र पकड़ा के छोड़ेंगे। अरे हाँ वो भगवान बोले हम नहीं पकड़ेंगे। बोले अच्छा देखे जाए कौन जीतता है, कौन हारे, कौन जीते। इसीलिए पितामह जी सर्वसज्जा में रहते हुए जब पांच पांडव युधिष्ठिर महाराज के अनुगत्व में कृष्ण भगवान जितना सारे ऋषि मुनियों ने वहां पहुंचे तो बड़ा भारी सुंदर करके एक प्रवचन दिए पितामह भीष्म जी। बड़ा अनोखा प्रवचन, जिंदगी का हर पल पल में ये प्रवचन बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर महाराज के लिए ये उपदेश आखिरी उपदेश अंतिम उपदेश देके और नित्य जगत को पधारे। भागवत जी महापुराण में इसका बड़ा सुंदर बड़ा भारी सुंदर वर्णन है, लेकिन समय नहीं है। वहाँ पितामह भीष्म जी कृष्ण को नमन किए, उठने का तो ताकत नहीं है क्योंकि सर्वसज्जा में पड़े हुए, मानस भाव में भगवान को भगवान के चरण को दंडवत किए और बोलने लगे देखो ये वो है परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर जो हमारा सामने खड़ा हुआ है, जिसका करुणा जिसका चमत्कार तो देखो, मैं जैसा लाचार पतित आदमी को उद्धार करने के लिए मेरा अंतिम समय में पहुंचे। सही बात, ठाकुर जी इतना करुणामय कितना करुणामय है, बाहरी दृष्टि में बद्ध जीव उसको देख नहीं सकते। इसीलिए दुनियादारी का प्रेम प्यार मोहब्बत इसी में उलझे हुए हैं। जरा सा भी पता चलता है जो ठाकुर जी और ठाकुर जी का अपना आदमी संत महात्मा का कितना प्यार है, वो कैसे संभव है कि वो विमुख होकर रह जाए, संभव तो है नहीं। पितामह अभिष्य ये बोले देखो इसका करुणा देखो, ये तो परात्पर अखिलेश्वर स्वयं भगवान परब्रह्म मेरा माफी का सॉरी छोड़ने आए तो हमारा सामने आ पहुंचा मेरे को कृपा करने के लिए। ये ठाकुर जी जिसका सामने मैंने प्रतिज्ञा किया था ये आपको अस्त्र पकड़ा के रहेंगे, आज तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। अब उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे ये हमने अस्त्र पकड़ेंगे। मत प्रतिज्ञा अधिकरुतम अवप्लुत रथस्य मत प्रतिज्ञा अधिकरतुम मत प्रतिज्ञा अधिकरतुम मतलब मेरा प्रतिज्ञा को साबित करने के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में नृसिंहदेव बताए जे मेरा भक्त कभी झूठा नहीं बोल सकता, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा हो गया महाराज आपको पूरा दुनिया भर का संत महात्मा का गुरुवर्गों का भरपूर कृपा मिला, फिर उसका बाद सेकेंड लाइन में लिखा आपने ये भूल बोला। ये जानते ही नहीं बच्चा का कुछ जानते ही नहीं, जिसको तुमने बोल दिया गुरुवर्गों का पूर्ण कृपा मिला वो कैसे झूठ बोल सकता। तुम्हारा लिए झूठ बोलना आसान है, वो तो झूठ बोल नहीं सकता, वो झूठ कभी नहीं बोल सकता, उसका जबान से जो निकालो ठीक है, लेकिन तुमने अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। प्रहलाद महाराज के बारे में नृसिंह भगवान स्वयं कह रहे थे भागवत जी महापुराण में, हमारा भक्तों का सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम मेरा जो भित्त है मेरा जो सेवक है मेरे जो अपना आदमी है वो कभी झूठा नहीं बोल सकता। इसको साबित करने के लिए मत प्रतिज्ञा अधिकर तुम ये युधिष्ठिर महाराज का सामने पितामह भीष्म कह रहे हैं और नृसिंहदेव कह रहे हैं कि
सत्यम विधातुम निजभित्तवा, एक ही बात है, सत्यम विधातुम निजभित्तवासितम, मेरा सेवक कभी झूठा नहीं बोल सकता, ये सत्य में प्रतिष्ठित है। ठाकुर जी सत्यव्रत है, सत्य क्याम सत्यव्रत सत्य स्वरूप सत्य ससत्यम निहितंच सत्य, ये सारे सत्य स्वरूप है भगवान। आज ये सत्य स्वरूप भगवान का भजन करने के लिए हम उतार के आए संसार से, और हम इधर आके सत्य का सत्य का जो सहारा है वो छोड़ दिया, कैसा भजन है? भजन करने के लिए आए, मकसद क्या है? सत्य स्वरूप भगवान को पकड़ना, उसके चरण को, और आके सरासर झूठा, बेमतलब झूठा बात, ये आजकल का स्थिति बन गया। किसी का कसूर नहीं है, कोली कलिकाल का प्रभाव, कलिकाल का ये प्रभाव है। उस दिन कह रहे थे ना, शूद्रहा प्रतिग्रहिष्यन्ति तपोवेश उपजीविनः, धर्मम वक्षन्ति अधर्मज्ञा अधिरूरो उत्तमासनम, ये उस दिन व्याख्या कर रहा था मैं भी, चार दिन पहले। ऐसा स्थिति बदल गया। तो प्रहलाद महाराज के लिए नृसिंहदेव जी जैसा बताए कि सत्यम विधातुम निजभत्वासिदम, और ये पक्का बात है, ठाकुर जी और ठाकुर जी का भक्त कभी झूठा नहीं बोल सकता। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपना भक्तों का जो वचन है उसको साबित करने के लिए स्वयं अपने को झूठा बनाया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रजे प्रसिद्धम, चोर है, झूठे हैं। ठाकुर जी का लिए सभी सम्मान है, ठाकुर जी का लिए सभी ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। ठाकुर जी का चोर है वो ठीक है, अगर हमने गाली दिया ठाकुर जी चोर है, सरस्वती मेरा जवान पे सही बोले, ठीक ही, तो ठाकुर जी तो चोरी है, तेरा हृदय को चोरी करने के लिए बैठा हुआ, हर वक्त तेरा चुराना चाहते हैं, दिल चोरी करके ले जाए, ठीक ही बताए, कोई झूठा कुछ नहीं है। शिशुपाल ने बड़ा भारी गालागाल दिए, बेजन्मा है, कोई जन्म का ठीक नहीं है, सब दुनिया भर का गाली दे दिया, ना जाने क्या क्या बता दिया। लेकिन फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि देखो ये तो गाली तो दे ही रहा है, गाली तो दे ही रहा है, जब से वचन सीखा है बाबा मामा कक्का तब से गाली दे रहा है, इतना जब से अपना जवान से प्रवचन शुरू किया, गाली का प्रवचन, तब से ये गाली दे रहा है, क्या करे, इसका बुद्धि खराब है। लेकिन सरस्वती इसका जवान पे सही कह रही, सरस्वती कह रही तो ठीक ही तो है, ठाकुर जी तो बेजानमा ही है, उसका जन्म का कोई ठिकाना है क्या, अजर अमर है, नित्य स्थिति है जिसका, वो तो बेजानमा है ही है, झूठा कुछ नहीं है, ठीक ही बताए। तो ऐसा करके प्रीतमा अभिष्ट जी कह रहे हैं कि देखो अपना प्रतिज्ञा को झूठा साबित करके मेरो को आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर जी बोले, मत प्रतिज्ञा अधिकर तुम अवप्लुत रथस्य, मेरा प्रतिज्ञा को सच्चा बनाने के लिए वो खुद रथ से उछल पड़े, कूद पड़े, और हाथ में टूटा हुआ एक रथ का चाका जो है व्हील, इसको हमको मारने के लिए, ऐसा बच्चा को पिताजी मारता है ना, ऐसा देखो कितना करुणामय है ठाकुर। ये सब बात को अगर सोचा जाए तो आप ऐसा तर्क कभी उठा नहीं सकते कि गीता में माधुर्य नहीं है, अंधापन, मेरा अंधापन मेरे को देखने नहीं देते,
मेरा दर्शन अधूरा है, मेरा दर्शन पक्का नहीं है, क्योंकि दर्शन तो गुरुवर्गो वैष्णव कराए, गुरुवर्गो भगवान गुरु वैष्णव दर्शन कराएंगे। इसीलिए पहले भी बहुत बार कह चुके कि देखो गुरुचरण एक सच्च माध्यम है। गुरुचरण गुरुपाद पद्म इज अ ट्रांसेंडेंटल मीडिया और ट्रांसेंडेंटल मीडियम थ्रू विच यू कैन सी एज इट इज व्हाट। ये गुरुचरण का महिमा है, ये गुरुचरण का एक्सेलेंसी है, चमत्कारिता, कि हम जो कुछ भी दर्शन करने जाए अपना अभिमान के द्वारा दर्शन करने जाए तो उसमें दर्शन अधूरा या तो कुछ नहीं होगा, अंधापन हमारा है। लेकिन अगर गुरु वैष्णव को सामने रखकर हम दर्शन करने जाए तो एज इट इज जो है सो है, दर्शन होते रहते हैं। इससे बोलो गुरु चरण गुरु वैष्णव चरण सच्च माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा हम देखने का प्रयत्न करें उसमें सारे सारे के सारे दिखाई पड़े एज इट इज। ये महिमा है गीता का। अंदर माधुर जो नहीं है, ये जो बोलता है वो तो अंधा है, वो जानता नहीं कुछ। गीता आजा अंदर प्रेम का बात है, सब कुछ है, क्या कुछ नहीं है? क्या ये प्रेम का बात नहीं है? अर्जुन प्रतिजानी ही नौमे भक्त अपनस्वती, ये क्या प्रेम का बात नहीं है? आप इतना अंधा हो, आप देख नहीं सकते, ये प्रेम नहीं है, क्या है ये? अपने आप पढ़ने जाओ, बहुत पैसा है आपका, जाओ खरीद ले आओ बाजार से दुनिया भर का किताब, अब पढ़ के दिखाओ निचोर क्या निकाला, दिखाओ मेरे को, हिम्मत है तू? अभिमान महाराज जत्तर रहे तक तब हमारा भजन जीवन सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। अंतिम समय अंतिम घड़ी आ रहा है, लेकिन मेरा बुद्धि अभी तक जहां का तहां तरक्की नहीं है। कैसे तरक्की हो? जाने अनजाने में हर वक्त असत्संगत तो चलती रहते, हर वक्त, इवन इन ड्रीम सपने में भी असत्संगत चले हर वक्त। जबकि शास्त्र में बताया गया कि असत्संग त्यागे वैष्णवाचार्य, हर हालत में असत्संग को फेंको, तब तुम्हारा सत्संग जो है इसका फल मिलने वाला है, नहीं तो नहीं। ये तो प्रेमी है अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करके बता दो कि मेरा भक्त कभी ना, अरे ठाकुर जी आप बताओ को, नहीं हमारा बात कभी झूठा हो जाता है, आप ही बताओ। आप बताने से कंफर्मेशन स्टैम्प लग जाएगा, भगवत श्रीमद भगवत जी महापुराण ये भक्तों का प्रवचन है, और श्रीमद भगवत गीता ठाकुर जी का खुद का प्रवचन है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है ये है, ये तो ठाकुर जी का खुद का प्रवचन है, वो अपने आप का बात बोलने जाए तो लोग गलत समझेगा, मत जाजी मांग नमस्कुरु इत्यादि इत्यादि। अरे महाराज सब धंधाबाज है, सब अपने को पूजा कराना चाहते हैं, मत जाजी मांग नमस्कुरु हैं, जो कुछ भी करो, जद असनासी जद जुहोसी जद ददासी कत तत् कुरुष्व मदर्पणम, सब हमको दे दो। अरे तो धंधाबाज है, ये तो ठीक नहीं, इसका धंधा खराब है। आम आदमी विचार करके यही नतीजा पे पहुंचा, ये ठाकुर जी धंधाबाज है, ये सही नहीं है। लेकिन भक्तों जब कहते हैं ये भक्तों का बात, ये ठीक है, ये तो जो कहते हैं वो करते हैं, और ठाकुर जी का जो कहते हैं कभी कभी देखा जाता है उल्टा करते हैं, हमको बोलता है काम क्रोध से बच के रहना, और खुद रासलीला कर रहे, क्या बात है? हर हालत में गलत समझने का पूरा रास्ता खुला है,
पूरा रास्ता खुला है, हर हालत में ठाकुर जी को गलत ही समझे है, क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वभाव है, ठाकुर जी का जो क्रियाकर्म है, प्रवचन ये जो है, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी कोई विषय नहीं, लेकिन आदमी तो समझेगा नहीं, अब भी समझेगा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो बोलता है करता है, नहीं ठाकुर जी जो बोलता है वही करता है, तुम समझा नहीं, ये तुम्हारा गलती है, गलती तुम्हारा है, तुम समझे नहीं, ठाकुर जी जो बोला वही करा, फिर भी आदमी बोलता है। इसलिए श्रीमद भगवद गीता और श्रीमद भगवत जी महापुराण, इसमें ये अंतर है, ठाकुर जी अपना अपने बात कहने जाए तो शोभा नहीं देते, शोभा नहीं देता, और आदमी गलत भी समझे, क्या किया जाए। तो भक्तों के द्वारा जो प्रवचन है शिशु को वाचो, ये इसमें, और गौरंग महाप्रभु इसीलिए भक्त बन गया है, को भक्त आचरण आप ठीक है, वो सन्यास लिया, रोना, कितना सारे आचरण किए, कृष्ण भी आचरण किए, बस तुमको समझ में नहीं आया, हमारा ये अंतर है दोनों में। और प्रतिजानी ही में पार्थ नामे भक्त प्रणस्ति, ये जो है ये प्रेम की बात है, तुम बता दो, तुम्हारा बात मानेगा आदमी, जो भी है। अभी गीता का जो जन्म हुआ, जन्म मतलब जैसे कृष्ण का जन्म है, गीता तो नित्य इटर्नली प्रेजेंट है, नित्य जगत में स्थित है, हिप इधर हमको कृपा कर लेंगे उतार आती है गीता, श्रीमद गीता भगवत गीता, ये जो इसका जो जन्म है बाहरी दृष्टि में, इसका स्थान काल पात्रों का समावेश जो है, ये हमको पागल बना देता, बोले देखिए कैसे है संभव है, ऐसे तो संग्राम मूर्धनी, युद्ध शुरू होने वाला जो है, शुरू आई ब्यूगल बजा दिया, सब कुछ बजा दिया, और इस स्थिति में कैसे संभव है इतना गीता, ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन, तो इसका हम प्रमाण दे दिए कि हर हालत में संभव है, ये ठाकुर जी स्वयं है। स्थान काल पात्र जितना सारे है, सारे ठाकुर जी का चरण में दक्षिणा डोनेशन, दक्षिणा देने के लिए तैयार बैठा। कब कैसे क्यों ठाकुर जी का लिए सेवा में हाथ बटाए, इसका लिए बैठा, उसका लिए कोई चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि में गीता का जन्म है, कोई विशेष स्थान काल और पात्र का आधार पर गीता का जन्म हमने देखा महाराज, फिर भी ये तो दिख रहा है बाहरी दृष्टि में, फिर भी ये जो गीता है ये बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड मैटर, स्थान काल पात्रों का परे है। अप्राकृत शब्द ब्रह्म ठाकुर जी का जबान से निकली हुई कथा, और ये गीता तत्व देश काल स्थान काल पात्र इसका बियॉन्ड अबव एनीथिंग एवरीथिंग इसका परे है। अपना दोस्त अर्जुन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया गया, जैसे कि एक हमारा पूरा दुनिया का जो आदमी है, फॉर आम आदमी के लिए एक आइडियलिज्म बन गई है, ठीक है। ये अर्जुन तमाम दुनिया का जो बद्ध जीव है, इस तमाम दुनिया का बद्ध जीवों का तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा है, जिसका जवान से समय समय ऐसा प्रश्न निकल आए कि ये बद्ध जीव का ही प्रश्न है। और ये प्रश्नों के द्वारा जो समाधान सॉल्यूशन ये गीता उपनिषद में देखने को मिलता है, बड़ा अनोखा। उस दिन बता रहा था कि देखो अर्जुन का डिलेमा है, अर्जुन का सामने एक डिलेमा है, डिलेमा मतलब वह संकट, अर्जुन का सामने अभी वह संकट है, एक कर्तव्य को करने जाए तो दूसरा कर्तव्य छूट जाए,
राष्ट्र समाज संसार का दावी उठाए जो तुमको युद्ध करके हम लोग को स्वाधीन बनाना है तो युद्ध करना जरूरी है। दूसरी तरफ से प्रेम स्नेहों का एक रास्ता है, रिश्तेदारी है, इसमें गुरु द्रोणाचार्य जो शिक्षा तरंग चढ़ाया द्रोणाचार्य जी ने, फिर उसका बाद पितामह भीष्म ये तो परबाबा पितामह, और जो सामने सारे दिखाई पड़ता है ये सारे तो रिश्तेदारी हैं, जब बाबा चाचा काका चचेरा भाई, अरे इसका साथ क्या लड़ाई करे, ये लड़ाई करने से क्या फायदा है। जे शाम अर्थे जिसका लिए ये युद्ध करना चाहते हैं कि वो अगर नहीं रहे तो क्या करे। मैंने एक अक्सर मिसाल देना पसंद करता हूं, जैसे कि आपको बड़ा धन दौलत के लिए बड़ा चाहत है, बहुत बड़ा रुपया पैसा धन दौलत चाहते हो आप, ठीक है, आपको लेके एक एक अंतरिप एक दीप में ले जाए, जाके वहां ढेर सारे रुपया पैसा गोल्डन कैन जो कुछ भी है सब दे देंगे, राजा भी बना देंगे, और फिर उधर कोई नहीं है, सब फाका, आप अकेले हो। ये मेरा जो उदाहरण है सोचने का कोशिश करो, अंतर से पूरा हृदय को स्पर्श करेगा। जैसा सामर्थ्य कांगे ने जिसका लिए सब भरपूर, ये हाँ समाज संसार में ये रोग है तब ना है, तब ना मेरे को राजधानी चाहिए, पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ है, अगर कोई नहीं रहे तो क्या अकेला क्या करूं, भूतों का मापित ये कोई काम का है, हैं? बचपन में पढ़ा था अली बाबा 40 चोर का, जैसे पैसा का भारी बाबा हैं, पैसा का बड़ा लालच है, और जाके डाकुओं का गुफा पे घुस गया, मंत्रों पता था चिचिंग फांक बोल के, अब अंदर में जाके तो के फूले नहीं समाया, अरे बाप रे बाप, उठाया गोल्डन कैन हीरा मुक्ता शरीर में स्नान किया, अरे बाप क्या मजा, सारे थैली भर्ती कर लियो, जितना चाहिए जी मर्जी ले ले, लेने का बाद अब निकलने का बारी है, अब कैसे निकाले, अरे मंत्र तो भूल गया कैसे निकाले हम, हैं आलू फाक चिचिंग फाक, अरे खुलता नहीं है तो हम तो मर जाएंगे क्या करें, अरे अल्लाह हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको छोड़ दे, क्यों अल्लाह हमको छोड़ दे अल्लाह, हैं क्यों क्या हुआ, हैं अल्लाह छोड़ दे, अल्लाह छोड़ेगा थोड़ी, तुम अपने अपनों को मुसीबत में डाला और छोड़ाने के टाइम में अल्लाह को बुला रहे हैं बदमाश, ऐसा ही स्थिति है जगत का, अगर हमको छोड़ दे, हमको कुछ नहीं चाहिए रुपया पैसा, हैं दो मिनट पहले बोला हमको सब चाहिए, आप बोल रहे चाहिए नहीं चाहिए, इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने वो लिखा ना बड़ा मजेदार, जहां चाही तहां भूल करे चाही, जहां पाई तहां चाही ना, अरे अरे इतना उल्लू है, मांगने का पहले क्यों नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या है, बोले महाराज गलती तो कर दिया, जहां चाहिए था भूल करे चाहिए, हमारा जिंदगी की इतिहास ही गलत गलत सरासर गलत है, जो मांगता सब गलती करके मांगा, और जो मिला तो देखा उसका नतीजा खराब, अरे ठाकुर जी छोड़ दे इसको नहीं चाहिए हमको, भद्र जीवों का यही हालत है, तमाम दुनिया का यही हालत है, इसीलिए किसी को छुटकारा नहीं मिल रहा है। किसी का कानून में संत महात्मा का एक वाणी प्रवचन सही ढंग से प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि हृदय जो है हृदय में कोई स्पेस नहीं है, हृदय में कोई स्पेस नहीं है, पूरा भरपूर है मैटर, अब कहां कहां स्पेस है, जगह तो खाली करो तब तो ये घुसे, जगह ही नहीं है कहां घुसेगा, विषय विषय विषय। शंकराचार्य जी बताएं ये जो विषय है सब कुछ है, अर्थम अनर्थम भवयो भावयो नित्यम, अरे बोलने में बहुत आसान है, अर्थम अनर्थम भावयो नित्यम, अरे बोलने में बहुत आसान है, करने जाओ तो कठिन है, अर्थम अनर्थम भवयो भावयो नित्यम,
अनित्य है, अर्थ अर्थ जो है अनर्थ का आधार है, वो बोलने में बहुत इजी है लेकिन करने जाओ तो खटिया खड़ा हो जाएगा। तो बोले हमको भजन नहीं चाहिए महाराज, ठीक ही है, हम ठीक है रहो, ठीक है तो ठीक रहो। ऐसा है कि आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य, दूसरा आत्मा हमारा सामने है तो एक आत्मा दूसरा आत्मा का रिलेटिव में एंजॉय करता है क्योंकि आत्मा आनंदमय है। जो आनंद आप महसूस कर रहे हो, किसी ने प्रॉस क्वार्टर में गया, अरे प्रॉस क्वार्टर में जाया तो ठीक है, प्रॉस के अंदर में तो इच्छित आत्मा है, वो तुमको जरा आनंद दे रहा है, तुम्हारा आनंद मिल रहा है, क्या क्या वो अगर मर जाए तो आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आधार जो है, ये आधार क्यों, इसका मतलब क्या है, इसको अंदर में जो चित वस्तु है, किसी का बुद्धि नहीं चलता, सब सोचते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन मेक फूल ऑफ महाराज, हम महाराज को बुका बनाएंगे, गुरु वर्ग को बुका बनाएंगे, ठाकुर जी को बुका बना देंगे, हम बहुत चतुर है। अर्जुन को इसीलिए भगवान बुला रहे, तुम जो बातें कर रहे हो तो लगता है कि तुम बड़ा बुद्धिमान हो लेकिन तुम मूर्ख हो, अज्ञान हो, देखने में लगता है तुम इतना सारे प्रवचन दे रहे हो, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा सात्विक भाव पैदा हो गया, सन्नास पन्ना लेके भग जाएगा दुनिया से, अजा कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है, पक्का बात तो ये है कि तमाम दुनिया में आत्मा है तो इंटर रिलेशन बना के चल रहा है, कोई दुश्मनी कोई दोस्त कुछ भी है सब चल रहा है। तमाम ये दुनिया में जितना सारे जीवात्मा है, तमाम करोड़ों करोड़ों जीवात्मा जीवात्मा उसको इकट्ठा करो एक जगह में, कितना सारे स्पेस ले लेगा जानते हो, हंसी हंसी आ जाएगा। तमाम ये दुनिया का जितना सारे जीवात्मा है सबको इकट्ठा कर लो, कितना छोटा जगह में उसका पूरा एकोमोडेशन हो जाएगा जानते हो, और हमको फ्लैट चाहिए, दो मंजिल बाड़ी चाहिए, जा कहाँ रहे, कहाँ जाए, जा ये मकान पे रहे, वो मकान पे रेस ले, वो मकान पे खाए, जमींदार बन गया, सब एंजॉयिंग मूड है, सब सारे के सारे अंदर में डुअरशिप एंजॉयिंग मूड भरपूर है, इससे छुटकारा नहीं है बिल्कुल, कैसे आस्वादन कैसे करें, शास्त्रों का बात, शास्त्रों का कोई बात तो समझ में नहीं आ। तमाम दुनिया का जितना सारे जीवात्मा है शरीर को छुड़ाकर आत्मा को एक जगह रख दे, उसका कितना छोटा एकोमोडेशन, पुरंजन उपाख्यान अगर ठाकुर जी मेरा बास चलाए, पुरंजन का उपाख्यान सुनो तो पागल हो जाओगे, पूरा छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसे तो हम बोल ही रहे हैं तो सब छोड़ के मेरा पास आ जा, वो आएगा नहीं, हम दे देंगे जी कुछ भी है हमारे पास, ठाकुर जी बनना हम सब दे देंगे, हाँ चलिए वो आएगा नहीं, वो महाराज वहाँ ठीक है, जितना सा संपत्ति जायदाद है, हमारा माथा पीछे है, केस कमारी है, वो अच्छा लगता है, यही ठीक है, इसी में मेरा आनंद लगता है, रहो क्या करे, अरे आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों माथा पीछे कर रहे हो, छोड़ के क्यों ना आ जाओ, सेवा में हाथ बटाओ करो, सब खाना पीना सब ठाकुर जी मिल दे मिला दें, ठाकुर जी क्या अंधा है, बामन गुस्से में कहते थे है नो, सारे भक्त लोग के जो लिए महाप्रभु है देखो उन मानता नहीं, आहार निद्रा और कपड़ा ये सब के लिए सोच में है, और क्या कहाँ से मिलेगा हमको, हाथ खर्चा मेरा हाथ खर्चा इतना है, सब मिल जाएगा, हाथ खर्चा भी मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है आत्मा व अरे, उपनिषद का जो उपदेश, आत्मा व अरे द्रष्टव्य स्वतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा है तब माता बच्चा को प्यार करती है, आत्मा है तब पिता पुत्र को प्यार करता है, आत्मा नहीं है तो किस लिए करेगा। तो ये सोच लो कि अर्जुन अर्जुन कह रहे हैं कि जैसा मत ए लोगों के लिए तो मेरा राज्य राजधानी प्रतिपत्ति जब सब कुछ जरूरी है, अगर ही मर गया तो मैं क्या करूं, ये सब लिख बात सही है लेकिन द सिचुएशन ये परिस्थिति
इसमें अर्जुन का तरफ से प्रवचन करना ही अज्ञान का काम है, ये ठीक नहीं है। और अर्जुन समान दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के ठाकुर जी के सामने खड़ा होके ऐसा स्थिति पैदा कर दिया कि जिसे लगे कि ये प्रश्न है, ये उत्तर है। और ठाकुर जी का एक ही बात है, ये इस दोस्त मेरा अज्ञान में फंस गया, अभी इसको कैसे बचाना है, अभी इसको बचाना कैसे, ये तो मान नहीं रहा है मेरा, अरे खत्रियो है आया है और मेरे को भी बोला रथ को आगे बढ़ाओ, सेनयो रुभयोर मध्य रथंग स्थापय मैं उच्चित हो ऐसा बोल के दिया, हम भी अपना ड्यूटी को निभाया। अब इधर देखने का बाद सारा शरीर विवश हो होते जा रहा है और हाथ से गांडीव जैसा यू तीर धनु हाथ में पकड़ा नहीं जाए निकल जा रहा है और सारे शरीर कांप रहा है, हैं पसीना पसीना हो जा रहा है, एक एक एकदम ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया जिसमें लगता है कि अर्जुन डरपोक है, अर्जुन वीर नहीं है डरपोक है, क्या है वीरों को ये शोभा नहीं देता, डरपोक है वीर। इसी स्थिति में ये गीता जी का जो उपदेश है ठाकुर जी की गीता का जन्म अपेक्षिक दृष्टि में ऐसा स्थिति में पैदा हुआ, गीता का जन्म हुआ कि लगेगा इट इज अ मैसेज, हिस्टोरिकल मैसेज, इतिहास है और कुछ नहीं है, ये इसका अंदर क्या रखा है कुछ नहीं है। लेकिन सारा तमाम दुनिया में ये बात पता चला कि गीता इज द एवरग्रीन ह्यूमन साइंस, मानव विज्ञान का सबसे बड़ा साइंटिफिक आधार है मानव विज्ञान। और गीता सही ढंग से अगर पाठ करे, अपना मनमानी पाठ करे तो समझ में नहीं आए, समाज संसार चारों ओर कहाँ मुसीबत नहीं है, मुसीबत कहाँ नहीं है, हर जगह मुसीबत है, भजन रास्ता में तो करोड़ों करोड़ों मुसीबत और ज्यादा है। दुनिया का आदमी अपना पूर्व संस्कार के अनुसार अपना जिंदगी को गंवा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो उसका कलेक्शन में लगा हुआ है, हमको IAS डिग्री चाहिए, हमको अच्छा लड़की चाहिए, हमको अच्छा नौकरी चाहिए और क्या क्या ना जाने चाहिए। फिर उसका बाद जो धक्का लगता है तो कभी बोलता है ठाकुर जी बोल के कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है बेकार, तो ठाकुर जी हमारा कैसे ऐसे हुआ, ठाकुर जी तुम्हारा ठेका लेके बैठा हुआ है, तुमने ऐसे बड़ा भक्त बन के बैठे हो, जबकि ठाकुर जी कह दिए जी जो मेरा चिंतन करता है दिन भर उसका लिए मैं सब कुछ मेरा जुमा है, अनन्नश्चिंतन तो ये यना मांग परजुभा सते तेसाम नित्ताभियुक्तानम जोगोक्षम अहम्य हम, ये साबित करके दिखा दिया ठाकुर जी। हमने कब ठाकुर जी का चरण का चिंतन किया जो मेरा, तुम तो हमारा जो बोझ जो है हम खोद ले लिया, पुरुषाकार इसको बोलते हैं संस्कृत में पुरुषाकार, अरे हम अपना बल बिरजू का ऊपर आस्था रखना, अपना बल बिरजू का ऊपर आस्था रखना इसको बोलते हैं पुरुषाकार, अपना पुरुषाकार के ऊपर आस्था रखो तो पल पल में लात खाना पड़ेगा, शोको मोह जो कुछ भी शोको स्पृहा परिभव विपुलस चलो वह परिभव, बड़ा शास्त्रों आगे याद कर लिया आचार्यों का भूमिका में है, लेकिन उसका अंदर का जो कंट्रोलिंग है अंतर इंद्रियों बहिरिंद्रियों कुछ हुआ नहीं। कभी भी ऐसा घटना हो सकता नहीं हो गया, जरूर हुआ होगा, किसी ने देखा भी होगा,
साबित है, इसके लिए तुम इतना वीक हो, ना कि तुम्हारे वीकनेस का क्या कारण है। तमाम दुनिया का यही इतिहास है, वीकनेस आने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? अगर कोई पंडित आदमी, कोई बड़ा आदमी, पंडित मतलब शास्त्रों का मुखस्त किया पंडित, हमने पंडित का व्याख्या किया, कृष्ण भगवान ने उद्धव जी महाराज को बताया कि पंडितो बंद मोक्षविद, ये तो जानता ही नहीं, ये तो खुद को ही पता नहीं कि जिसमें मेरा बंधन हो किसने मेरा मुक्ति हो, और ज्यादा करके बंधन में डाल रहा है, और लाओ पैसा लाओ, ये लाओ, इज्जत लाओ, और सब ला रहे। कौवा का माफी, कौवा जैसा बाहर से जाके यू नो सारे दुम तमाम दुनिया कचरा लाके घर में भर्ती कर, ये जरूरी है, संसार में सब जरूरी है, टूटा हुआ बटल है नो जो कुछ भी है, अल्पिन सब कुछ ही जोड़ी दी, हमारा संसार है आज तो ठीक है, संसार है। कौवा का माफिक सब आके इकट्ठा कर दिया, कचरा गंदगी सुबह दुनिया भर का गंदगी अंदर और बाहर में भरपूर है, कहां से गीता उपदेश बैठेगा? जिसका अपना इंद्रिय मन अपना बस में नहीं है उसका अपमान होना ही है, पल 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 में उसका अपमान, इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ अपने आप का सामने अपमान हो जाना सबसे बड़ा चीज है। अगर आप आपका आपका सामने आप खुद पराजित हो जाओगे, अपमानित हो जाओगे, आपका हौसला खो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे हमने दिखाया कि दिग्विजय पंडित अपने गलती बोल दिया, अब माफ जब दिखा है तो बोले ठीक ही तो है मैंने गलती बोला, अरे अपना अंदर में हौसला खो गया और एक बात एक शब्द भी बोलने का हिम्मत नहीं है। कैसे रहा? जो दिग्विजय पंडित है, तमाम दुनिया का पंडित है, क्या उसका एक शब्द बोलने का हिम्मत नहीं रहा? कैसे रहेगा? ये अपने आप का सामने पराजित हो गया, किसी ने देखा नहीं मैं पराजित हो गया, किसी ने देखा नहीं कि मेरा अंदर में काम आ गया, मैंने घटिया काम कर दिया, किसी ने देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो ठाकुर जी देखा, तू तो खुद देखा ना, तू तो खुद साबित है, तूने तैने क्या किया तू साबित है ना, खुद जानते हो तुमने क्या किया जिंदगी में, तो बाहरी साक्षी का क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही जानते हो तुम क्या कुछ नहीं किया, तो बाहरी साक्षी का क्या जरूरी है चिल्ला मिल्ला कर। इसको बोला है पराजय, शोको स्प्रिहा परिभवो विपुलश्चलो, वह विपुलश्चलो, उसका लोभ का कोई ठिकाना नहीं, आज ये मिला काल वो चाहिए, परसों वो मिला तरसों वो चाहिए, वो चलो चलते रहो। गीता का उपदेश क्या है? गीता का उपदेश का निचोड़ क्या है? तुमने रो रहे हो, किस लिए रो रहे? मारा ये खो गया, अरे ये खो गया तो कहां से लाया था? इसी जगत से लिया था ना, जो सम्मान प्रतिपत्ति प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, पैसा धंधा जो कुछ भी किया तुम इस जगत में, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी तुम इस जगत में उधार लिया, ये शरीर जो है वो भी तुम ये जगत से उधार लिया, इसका ऊपर भी तुम्हारा कोई नहीं चलेगा, ये समझ नहीं रहे हो, इतना उल्लू ऐसा स्थिति है गीता का, यही निचोड़ है जो तुमने रो रहा है, किस लिए रो रहे? जो चीज लिया था जगत में, तुमने जो आया था खाली हाथ आया था, जब जाओगे खाली हाथ जाओगे, सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। आज जो जिसका ये बिल्डिंग जायदाद सब तुम्हारा है, तुम बोलते हम मालिक है हमारा है, ठीक है, कल अगर भगवान ना करे मर जाओ तो दूसरे का हो जाएगा, संपत्ति तो रहेगा नहीं, तमाम सोने का जेवर सब सास माँ दे रहा है, ये ले जा बहू को दे दिया, अरे बहू क्या करे, सास मर गया और ये अभी सास बन गया और दे रहा है, वो बदलते रहता है संपत्ति जो है, हाथ हस्तांतर होते रहता है, ये संपत्ति आज किसी का कल उसका हो जाए। जैसे न्यूटन का थ्योरी है ना, यू नो ये जो ये जो ये जो एनर्जी है, एनर्जी को सृष्टि नहीं किया जाता, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, ऐसा ही लगता है मजेदार कहानी,
एनर्जी दुनिया भर में जो एनर्जी है, अनंत ब्रह्मांड जो कॉस्मिक वर्ल्ड में जो एनर्जी है, ये अनंत है तो अनंत, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं। एनर्जी को जन्म नहीं दिया है, वो ठाकुर जी का ही व्यवस्था है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, एनर्जी को सृष्टि नहीं किया जाता। केवल एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी पर कन्वर्ट कर दो, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू यू नो हीट एनर्जी, है मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट कैन बी डन, ये हो सकता है, लेकिन सृष्टि करना संभव नहीं। ऐसे ये जो कुछ भी है सब एक हाथ से दूसरे हाथ पर ट्रांसफर होते जा रहा है, वो केवल दावी कर रहा है। अब पहनने का भी हिम्मत नहीं, क्योंकि अगर पहने तो डाकू आके काट के ले जाएगा, और सिर्फ जीवर में ही भरती है, सिर्फ हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये ही हमारा है, तेरा ही है, यही विचार चलते आ रहा है। इसी को बोलता बीमारी, सबसे बड़ा बीमारी यही है, हमारा है तुम्हारा है, ठीक है तुम्हारा मठ है, गुरुजी मेरे को देके गया, मेरा मठ है तेरा चलेगा, अरे ठीक है तेरा बाप का ही चले, हमारा क्या दरकार है, तू चला अपना इच्छा मनमानी, हमारा बाप का है, लिख के दिया ना गुरुजी हमको देके गया, ठीक है तेरा बाप का संपत्ति है ले ले। दुनिया भर का पागलपंथी सब इसी चीज को उठाया था। काल देखो ये तमाम गीता उपनिषद वेदांत या दूसरा उपनिषद, सारे जो कुछ भी है वेद वेदांत सब ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये पांचों विषय मोक्ष है, ये पांचों विषय मोक्ष है, इसको लेके ही चल रहा है दुनिया सारी, जितना सारी जे चाहे शंकराचार्य हो या रामानुजाचार्य हो या तो मध्वाचार्य हो, विष्णु स्वामी हो, निम्बार्क कोई भी हो, भास्कराचार्य हो, कोई भी हो, सब उसका जो अपना अपना जो उपस्थापना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलोसॉफी फ्रॉम डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू, अलग अलग दृष्टिकोण से अपना समझ के अनुसार अपना अपना दर्शन को पेश किए, लेकिन तमाम जो इसका जो विचार विश्लेषण दुनिया भर का, ये सारे ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म ये लेकर डीलिंग्स किया है। ध्यान से सुनना, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म ये पांचों विषय विशेष है, ऐसे तो बराने जाओ तो बहुत सारी चीज आ जाए, लेकिन ये पांच विशेष मूल वस्तु, इन सभी को लेकर चर्चा किया, एक एक एंगल से एक एक विषय आपका आधार के अनुसार आप उसको अपनाओगे, विचार को मन में बैठाओगे। गीता उपनिषद में भी ऐसा ही है, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्मों, ये पांचों विषय के लेके तन्मध्य आउट ऑफ दैट, इन सभी में जो वस्तु पूर्ण ज्ञानमय पूर्ण शक्तिमय पूर्ण सर्विद ऐश्वर्य पूर्ण है सर्वज्ञ यन्मा दस्य यतो नमयाद ईश्वराशर्त इतराशर्त सभीज्ञ सराट, ये जो सर्वज्ञ हैं वो है ईश्वर, पूर्ण ज्ञानमय पूर्ण शक्तिमय पूर्ण सब कुछ पूर्ण, पूर्ण मतलब कोई डिफिशियंसी है नहीं, बाहरी कोई जगह से ठाकुर जी को ज्ञान प्राप्त करके अपना ज्ञान का भंडार को पूरा करने का कोई जरूरत है नहीं, कि वो स्वयं पूर्ण वस्तु है, पूर्ण ज्ञानमय सर्वज्ञ वह है ईश्वर, इसी को ईश्वर बोला जाता है। और अल्पज्ञ जो जानता है उसका जानकारी है अल्पज्ञ ज्ञान है अल्पज्ञ जीव है, जो अल्पज्ञ हैं, जो सर्वज्ञ हैं तो ईश्वर व्यापक संबंध है,
जो अल्पज्ञ हैं वो जीव है, और सत रजो तमो ये तीन गुणों का जो खजाना है, उसका जो आधार है ये प्रकृति, ये एक मैटर है, ये कोई एक मैटर है। बद्ध जीवों का अंदर में जो जड़ बुद्धि है, मन है, ये सब मैटर है, मैटर मैटर मैटर। बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैटर दे लाइक टू गेट ईश्वर, दे लाइक टू नो ईश्वर। जड़ बुद्धि, जड़ मन, जड़ इंद्रियां सारे को लगाकर वो ठाकुर जी का बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, ये उसका पागलपंती है। और प्राकृत सत्य वस्तु लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ देयर एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये बहुत बार कहे प्रभुपाद जी का कहना। आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है अप्राकृत वस्तु का ओर बढ़ने जाओ, बढ़ने जाओ तो ये बढ़ने का कोई हिम्मत नहीं है आपका, और अपना शक्ति सामर्थ्य को लेकर यतो वाको निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहो, वाचन भंगी वाचन शक्ति के द्वारा ठाकुर जी का प्रवचन कर दोगे, उसको जानने का कुछ हमारे जो बेकार है, वो एक लात लगाएगा ठाकुर और तुम वापस आ जाओगे, फीडबैक फीडबैक हो जाएगा। तो जो कुछ भी है, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, ठाकुर जी का ओर बढ़ने का हिम्मत करो, वाचन शक्ति या किसी भी शक्ति, जितना मन लघु बल अर्थ बल जो कुछ भी है तुम्हारा, पैसा धन बल जो कुछ भी है, सब बाजी लगा लो। अब बाजी लगाने का बाद जो चीज को जानने के लिए तुम्हारा अंदर में हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत नहीं है, तमाम दुनिया को बाजी लगा के भी जो चीज जानने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, तमाम धर का जितना सारे शक्ति लगाओ सारे फीडबैक एक। और ये जो तुम्हारा, ये जो आपका जो चीज है तीन त्रिगुण, अध्यक्ष जो वस्तु का सेवा के काल चर्चा करेंगे हम, आज सब एक साथ बहुत मुश्किल है, पकड़ नहीं पाओगे कन्फ्यूजन में। तो जीव अल्पज्ञ हैं, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, और सत रज तमो ये जो तीन गुणों का आधार है, खजाना है ये प्रकृति, एक मैटर एक द्रव्य विशेष। और त्रिगुण वर्जित तो जड़ द्रव्य काल, जिसको आइंस्टाइन ने बताया ना, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, ये मूवमेंट क्या चीज है, एक हमारा सामने अगर कोई रिलेटिव वस्तु नहीं है तो मूवमेंट क्या चीज है पता नहीं चलेगा, चलेगा ए? कैसे पता चलेगा मूवमेंट, कैसे पता चलेगा? अगर हमारा चारों ओर में कोई रिलेटिव वस्तु कुछ नहीं है, तुमको लेके स्पेस में खड़ा कर दिया, चुप चलो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखने को सुनने को मिलने को कुछ नहीं है, तो तुम कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, समझना मुश्किल होगा। रिलेटिव चीज है तो सब, काल तो है ही है, काल तो मारा नहीं जाएगा, काल नित्य है, लेकिन हमको समझ में नहीं है, क्योंकि हम जो जो कुछ भी हम हिसाब किताब करते हैं सब रिलेटिव आधार पर, हमारा जिंदगी का जीवन का जितना सारे हिसाब किताब है, अकाउंटेंसी है, सारे हम करते हैं रिलेटिव विषयों के लेकर। रिलेटिव विषय अगर नहीं रहा तो कैसा हम हिसाब किताब करें। तो जीव अल्पज्ञ है, सतो रजो तमो गुण का जो आधार ये प्रकृति एक द्रव्य विशेष, और त्रिगुण वर्जित जड़ो दब्बो जो काल है जिसको मूवमेंट बोला गया, और जीव का चेष्टा जो है इसके द्वारा, इसका चेष्टा चेष्टा के द्वारा निष्पादित विषय को कार्य बोला गया। इसको और एक नाम दिया गया जिसका नाम अदृष्ट, जिसको तुम अदृष्ट को कहते हो ना, तकदीर अदृष्ट, या अदृष्ट कुछ नहीं है, तुम्हारा पर्वो पूर्व पूर्वो 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 पीवियस पीवियस पहले का किया हुआ कर्म का जो फल है अदृष्ट, जो जीवों के चेष्टा के द्वारा निष्पादनीय
करने वाला जो चीज है वो कार्य है, इसी को अदिष्ट बोला गया। और ये अदिष्ट जीव को एक जोनी से दूसरे जोनी सब चला के ड्राइव करता है, गिविंग ए ड्राइविंग फोर्स फ्रॉम वन जर्नी टू अनदर जर्नी, चलते रहते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई चलते रहते हैं। अनादि अनादि कर्म फले परिभवार नव जले तरी बारे ना देखी उपाय, ए विषय हला हले दीवानिशी हिया जले मनो कबु सुख नहीं पाए। कीर्तन करो, करके देखो, हाथ मोड़ के बैठा हुआ निकम्मा, कुछ नहीं करते, कीर्तन वित्तन कुछ नहीं। तो ये जो चीज है इसको अदृष्ट बोला जाता है, जिसके फल जो जीवों का जो अदृष्ट है वो अपना भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ जिस समय जीवात्मा मैं तुम्हारा हूं ठाकुर जी ये बोल के आत्मनिवेदन कर देते हैं, तब उसका अंदर में कुछ नहीं, सब गया, सब गया और कुछ नहीं। आत्मनिवेदन तुआ पदे कुरी हईनु परम सुखी, दुखो दूरे गेलो चिंता न रही लो चौधरी का आनंद हरी, यही बात है, सही बात। जब आत्मनिवेदन सही हो जाते गुरु वैष्णव, पक्का गुरु वैष्णव, चीटर के चरण में नहीं, तो बस सारे मेरा जितना सारे समस्या है, कितना सारे चिंतन है, टेंशन है, सारे हम दे दिया, क्या चिंतन, कुछ नहीं है। तो ये कार्य है, कार्य को अदृष्ट बोला गया, जिसको दोइवो दोइवो बोल के दोइवो संगा, इसका डेफिनेशन दोइवो भी हो सकता है, दोइवो प्रवृत्ति संगा के द्वारा विशेषित किया जाता है, इसी का नाम कर्म है। जिसका कर्म का एक एक कर्म का फल, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने ये सोचो मत हम संतों का बेस बने बैठा है, आचार्य बन के बैठा है, हमारा कर्म फल हम नहीं भोगेंगे, ना बाल बाल विचार करके ठाकुर जी दिखाने वाला, तुम्हारा घमंड को तोड़ने वाला, सब कुछ जिसका अंदर में जो घमंड है सबको चूर चूर कर देगा ठाकुर जी, सब वो मरने का पहले चूर चूर कर देगा, रखेगा नहीं। या इसका नाम है कर्म, जिसका फल जीव अपने आप अपना काम कर्म फल अपने को ही भुगतना पड़े। उसका बाद ईश्वर जीव प्रकृति काल, ये चारों नित्य वस्तु है, समझ रखना, ईश्वर नित्य तो है ही है, अजीव आत्मा वो भी निपत्त है, प्रकृति कभी प्रकाशित कभी अप्रकाशित ये अलग बात है, लेकिन प्रकृति है ही है, ईश्वर जीव प्रकृति और काल ये नित्य वस्तु है, कभी दिखाई पड़ता कभी दिखाई नहीं पड़ता। जब ठाकुर जी सारे निश्वास प्रश्वास इन एक लिखा हुआ है ब्रह्म संहिता में, जे एक इनो एक्सेलेशन निश्वास का साथ तमाम अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश, जस्यैक निःशेषितो कालमथावलम्बो जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णुर्महानस इहो यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, हे तमहं भजामि ठाकुर। जस्यैक निःशेषितो कालमथावलम्बो, एक निश्वास गया इसका अंदर का इतना काल, कितना तमाम दुनिया का प्रकाश, और चिंता करके हिसाब करो, बाप रे बाप रे बाप। और जब ठाकुर जी प्रश्वास को लेंगे बा सारे अंदर में समा गया, जिसको वेद स्तुति में न जय या 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 मित दोष गृहित गुना तमस यदात्मना समबरुद्ध समस्त भग अग यग धोक साम किल सक्त बबोध कदि कचित यत्मना, है ये सुनो, हैरान हो जाओगे।
जब कुछ प्रकाशित नहीं है तो प्रकृति दिखाई नहीं पड़ती। काल कहाँ है? कुछ नहीं है तो काल क्या? सब है, नित्य है। सो ईश्वर जीव प्रकृति और काल ये चार नित्य वस्तु है, और जीव प्रकृति काल और कर्म ईश्वर का अधीन है। ये सोच लो, जीव प्रकृति काल और कर्म सब ईश्वर का अधीन है, ये सोच के रखना। लेकिन इसमें एक विशेष है, कर्म तो ईश्वर का अधीन है ही है, लेकिन अनादि कर्म फले परिभवार न बजले। भक्तिमय ठाकुर जी ने व्याख्या किए, कर्म को अनादि क्यों बोला गया महाराज? बड़ा हैरान की बात है, वो टाइम फाइम नहीं है, कुछ मन नहीं। भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं कि ये जड़ समय का जो बैकग्राउंड है, जड़ समय का जो प्रेक्षापट बैकग्राउंड है, ये जड़ समय का आधार पर कब स्टार्टिंग है इसका पता नहीं, इसीलिए कर्म को अनादि बोला गया। लेकिन फिर भी कर्म जो है शांत होने वाला, कर्म को शांत 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 का ठिकाना में लगाना संभव है गुरु वैष्णव कृपा के द्वारा। अर्थात कर्म का अनादि है, फिर भी कर्म चल रहा है, फिर भी कर्म का गति यो गहनो कर्मणा गति ही, इंट्रिकेट मूवमेंट ऑफ कर्म, कब कहाँ क्यों कैसे पहुंचा दिया ठिकाना बिल, कोई ठिकाना नहीं, विचार बनाना मुश्किल है। इसलिए यहां कहा, इसलिए कर्म तो ठाकुर जी के द्वारा कंट्रोलिंग में है ही है, फिर भी ये इसका अंत होने का चांस है। ब्रह्मांड भूमित गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, भी काल चर्चा करेंगे। जीवों का कर्मों का आदि नहीं है अंत, लेकिन क्षय जरूर है, कभी भी क्षय प्राप्त हो सकता। शांत ईश्वर ज्ञान स्वरूप, जीव भी ज्ञान स्वरूप, ममी वंश जीव बोलो के जीव भूत सनातन, ईश्वर जैसा क्वालिटेटिव पोजीशन जो है ईश्वर का, ये जीवों का अंदर भी एक ही है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, जीवो भी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन माया का अंदर फंसकर उसका नित्य सिद्ध जो ज्ञान है ये कवरिंग हो गया। ये माया का बस में जाने का कारण इसका सतसिद्ध जो ज्ञान ये छुप गया। इसीलिए बोला, देखो गीता में ठाकुर जी बताए, नादत्त कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेनो मुह्यन्ति यन्तवा। ठाकुर जी खुद बताए, अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम अत्मत अर्थात सतसिद्ध ज्ञान जरूर है, अज्ञानेन अवृतम कहाँ गया? अज्ञानेन अवृतम ज्ञान, अज्ञान के द्वारा अध्ययन के द्वारा बस छुप गया। तेनो मुह्यन्ति यन्तवा, दैट्स व्हाई इसी कारण जीव सब मोह प्राप्त होते, इन्फैचुएशन, ओवरवेलमिंग सिचुएशन। ईश्वर ज्ञान स्वरूप, जीवो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जीव माया का आधार पर चक्कर में सारे खो बैठता है। खो बैठता मतलब अंदर में है, प्रकाशित नहीं है। स्टिल तभी भी ये जीव और ईश्वर सारे जीव जो है स्वसंवेत्ता ससम वित्वा अर्थात ज्ञाताओ, ये ज्ञानमय और ज्ञाता भी है। ईश्वर जैसे ज्ञानमय है और ज्ञाता भी है। जीवों के लिए अस्मत शब्द का प्रतिपादन होना जरूरी है। जगत में दो चीज है, जुस्मत और अस्मत, है ना? अस्मत शब्द का प्रतिपादन है,
उपनिषद में यह बताया कि देखो श्रुति में यह वाक्य है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और कभी कभी आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म। ईश्वर ज्ञान और आनंद स्वरूप, ये तो पक्का बात है, सच्चिदानंद मय भगवान। जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान, इसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान स्वरूपत्व प्रतिभात हो गया। यह सर्वज्ञ सर्वविद भगवान, आत्मा का भी ये टाइटल होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, है। सिर्फ इतना अंतर है कि जीवों का अंदर में क्षमता जो है, पावर जो है, बहुत कम, बहुत कम, इसका शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए इतना कम है। और विभु चैतन्य ठाकुर जी, विभु चैतन्य परमेश्वर, अजीब अनुचैतन्य, ये भी वेदांत का आधार पर साबित किया जा सकता है कि जीव अनुशब्द भी है। जब भी वेदांत में है गुणात अलग बात, गुणक गुणों का विचार करने जाए तो इट इज लाइक लाइट पार्टिकल, लाइक नॉट लाइक पार्टिकल, स्वतःसिद्ध प्रकाश वस्तु, चिन्मय आत्मा। गुणात अलग बात, गुणों का हिसाब करने जाए तो जैसे लगता है कि मानो कि लाइट पार्टिकल का बराबर, बट नॉट लाइक दैट। और विचार के आधार पर, वेदांतों का विचार के आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि भगवान शब्द ब्रह्म है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म बाहरण माम अनुस्मरण ज प्रयाति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गतिम, ये गति है। अतः शब्द ब्रह्म, अरे जीव भगवान का शब्द ब्रह्म है, अरे जीवो भी, जीव का अंदर भी ये शब्द का हम प्रमाण कर देंगे, कभी प्रमाण करके छोड़ देंगे कि ये सही बात है। केशव गोस्वामी महाराज जो यही की बात बोल रहे हैं, हाँ जीव अनुशब्द, इसीलिए इसका काम ही है, इसका साब, इसका काम ही है बासते रहना। अरे बासते रहना मतलब जीवों का काम ही है बासते रहो, बासते रहो, क्या बासते रहे, संकीर्तन को बासते रहो, ये तुम्हारा काम, ये एक ही ड्यूटी है संकीर्तन। जीवात्मा जो है इसका कर्तापन, ये बंधन का कारण है, भोक्ता कर्ता, इसका कारण ये बंधन में अपने को डाला है। नहीं तो बंधन का कोई कारण नहीं है, क्यों बंधन में डाला, क्यों ऐसे हुआ, देखो कारण नहीं है, कैसे फंसा दिया अपने को। इसीलिए गीता में बता, देखो अपने को आप हेल्प करो। अंग्रेजी में एक बात है, अरे अंग्रेजी लोग भी वो पंडित है, देखो कैसा तुम्हारा बुद्धि नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं गॉड हेल्प देम सेल्फ, दो गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देम सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, ये गीता में तो बताया, वो कहाँ से मिला उसको, ये भी तो पंडित है, नहीं तो कैसे बोल दिया, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्फ, ठीक ही है। उद्धरेत आत्मनात्मनम न आत्मन नहीं बसादयत, ये क्या है, गीता में कहते हैं, तो सारे प्रमाण तो सामने आ गया। ऐसा करके दुनिया भर का विचार विश्लेषण करने का समय नहीं है, आपका भी हृदय ऐसा सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि यू कैन, आप पकड़ सकोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके थोड़ी सी शब्दों में ऐसा करके ठाकुर जी का कृपा से कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं कि कुछ समझ में आए, अनुभव में आए, समझ में आने से क्या है। पद्म पुराण में ऐसा बात है
पद्म पुराण में ये उपदेश है जो गीता को अच्छी तरह से पाठ करो। पद्म पुराण में ये उपदेश वर्णन है, ये गीता ग्रंथ को उत्तम रूप से अध्ययन करो। दूसरा शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, अन्य विस्तृत शास्त्र श्रवण की क्या कीमा क्या जरूरी है। ये स्वयं साक्षात पद्मनाभ भगवान का मुखारविंद से पिघला हुआ अमृत है। असलियत तो ये है कि ये गीता जो प्रवचन व्यासदेव जी महाराज लिखा है, गीता का जो जितना सारे कहानी महाभारत आदि साक्षात अनुभव के द्वारा द्वैपायन व्यासदेव जी महाराज सारे को प्रणयन किए लिखे हैं, क्योंकि उसका अंदर सर्वज्ञता है। अरे महाराज कब क्या हुआ है, कैसे पता है कि ऐसे लिख दिया सारे के सारे। अरे दुनिया भर का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे लिख दिया, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कैसे लिख दिया। अरे उसका सर्वज्ञता है, ईश्वर है ना, सारे सर्वज्ञ भगवान। वो सारे महाभारत में जो जो लिखा है वो तो प्रैक्टिकल है सारे, वो सारे को लिख दिया। और ये महाभारत का जो प्रवचन वक्ता है वैश्यपायन हैं श्रोता जन्मेजय वक्ता है, ऐसा करके तमाम दुनिया का जहां जो कुछ भी हो रहा है सारे महाभारत का अंदर में सारे एविडेंस रख दिया। महाभारत में सब कुछ है, क्या कुछ नहीं, ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान सब कुछ उसका अंदर में, सब कुछ क्या कुछ नहीं, सब कुछ उसका अंदर में है सब। लेकिन समझे कौन, यही सबसे बड़ा बात है, इसको समझे कौन। अभी हम चलते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध का सामने शुरुआत होने जा रहा है, जहां दोनों तरफ से सैन्यों का सैन्य वाहिनी जो मौजूद है, इसका बैटालियन सब जो है वो मौजूद है। युद्ध होने जा रहा है इसी समय, जो स्थिति हमने बताया कि देखो दो सेना वाहिनी बैटालियन दोनों तरफ, इसका बीच में जो रथ को खड़ा कर दिया गया अर्जुन का आदेश के अनुसार ठाकुर जी खड़ा कर दिया, इसमें अर्जुन खड़ा होके देख रहा है कहाँ कौन है कैसा है युद्ध का स्थिति स्ट्रैटेजी क्या है युद्ध का सज्जा कैसा है। और देखते देखते अर्जुन का अंदर में विवश पैदा हो गया, थोड़ी देर पहले बताया अर्जुन का और अर्जुन का अंदर में अभी कंट्राडिक्शन चल रहा है, डिलेमा। उभय ओर मुसीबत है, एक तो है समाज संसार का ओर से स्वाधीनता प्राप्त करो और चैन से चलाओ, और दूसरा ओर कर्तव्य जो है हमारा रिश्तेदारी आधार जो रिलेशनशिप है स्नेह ममता है, इसका एक बैकग्राउंड है। दोनों बैकग्राउंड करके फाइटिंग चल रहा है, अंतर करण में अर्जुन का फाइटिंग चल रहा है, मन का अंदर राष्ट्र का दावी समाज संसार का दावी और दूसरी तरफ से अपना जो रिलेशनशिप है अपना प्यार मोहब्बत सब कुछ है रिश्तेदारी है इसका भी तो है कुछ, ये भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। अभी एक डिलेमा में फंस गया अर्जुन कह रहे हैं कि अभी हम युद्ध नहीं कर सकेंगे, क्यों क्या हुआ ये देखो ऐसा इसी में कैसे हो सकता है, क्या हम अस्त्र चलाएंगे पितामह विश्व और द्रोणाचार्य जो सब मेरा गुरु है उसको मारेंगे हम, ये कैसे क्या धर्म है, ऐसा प्रवचन शुरू कर दिया।
ये दुखों को हटाने के लिए, ये दुख नहीं है, दुख तो है लेकिन ये दुख नहीं, ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को हटाने के लिए ठाकुर जी अभी धीरे धीरे अपना प्रवचन शुरू किए। परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का रूप में हम सभी के हृदय में चालक गाइडेंस दे रहे हैं, यू नो ड्राइविंग फोर्स दे रहे हैं, चालक। जो बाहरी दृष्टि में अर्जुन का रथ का परिचालन करने के लिए बैठा हुआ है वही ठाकुर जी है, हमारा बुद्धि वृत्ति का प्रेरक है, प्रचोदयात प्रचोदना, ये उसी का एक ही ठाकुर जी है। ये भी हमारा भी रथ का सवारी ठाकुर जी है, वो चला रहे हैं। सिर्फ माया के द्वारा हम उल्टा रास्ता पे जा रहे हैं, ठाकुर जी इन अपना कर्मफल के अनुसार हम उल्टा रास्ता में जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी गलत नहीं बोल सकता, संभव नहीं। ये जो है बुद्धि का प्रेरणा प्रेरक, बुद्धि का प्रेरक दे रहा है। इधर साक्षात रूप से अर्जुन का रथ पर सवार होकर जितना सारे घोड़े हैं, घोड़े को घोड़े का जो रस्सी है सो अपने हाथ में पकड़ के जैसे चलाए उसे चलाए, और हमारा बुद्धि बुद्धि वृत्ति का परिचालक बन के भी बैठा हुआ है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में है, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म गायत्री जप करने का विधान है। हमारा हृदय प्रकाश, हमारा हृदय सात्विक प्रकाश भर जाए, शुद्ध सात्विक हो जाएगा बस बात में। तो ठाकुर जी का ये जो प्रवचन है इसका अंदर में प्रेम नहीं है, हो नहीं सकता, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो कैसे अपने दोस्त को इतना समझाया बुझाया और मनाया, अंतिम में सारे झुमा अपने पर लिया और देखा तो तू कौन है, तू जो घबरा रहा है तू कौन है मारने वाला, अरे हम कैसे मारे ये सब, तू मारने वाला कौन है, देख हम मार के रखा है, हम मार के रखा है, देख विश्वरूप में सारे सारे पितामह भीष्म द्रोण, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जो जितना सारे है, कर्ण विकर्ण सब मर के, देख 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 सब मर के पड़ा हुआ, सिर्फ तुमको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूं मैं जगत को शिक्षा देने के लिए, निमित्त मात्र भव सब विचार, तुम सिर्फ निमित्त कारण बन जाओ, इसी में तुम्हारा जस मान जस प्रतिपत्ति सारे बढ़ते चलेगा। और ना मानो तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का ना पालन, ना पालन करने का कारण ये तुमको ही भोगना पड़ेगा। सारे दुनिया तुमको क्लीप बोलेगा, गाली देगा, ये कायर है, डरपोक है, भग गया, यही तो बोलेगा, और क्या बोलेगा, क्या सन्मान आरती उतारेगा तुम्हारा, तुम क्या करेगा। ऐसा करके अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा है और गीता अमृत स्वरूप, जैसे गोमैया का स्तन से दुग्ध काढ़ा जाए, ये अमृत है, गीता भी दुग्ध जैसा है, और सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, और वत्स कौन है, कैसे बोले पार्थ वत्सो सुधीर भक्त्या दुग्धम गीतामृतम महत, महिमा महिमा का भी पता चलेगा थोड़ा बहुत। सर्वोपनिषदो गावो, उपनिषद सब गई गौ मैया, सर्वोपनिषदो गावो, आ दुग्धा कौन कार रहा है दूध को, खीर को कौन कार रहा है, बोले गोपाल नंदन वत्स कौन है, बोले पार्थ है, पार्थ वत्सो सुधीर भक्त्या, और वत्सो सुधीर भक्त्या, सुधीर भक्त्या दुग्धो गीतामृतम हैं, पार्श्व वत्सो सुधीर भक्त्या,
अर्जुन वत्सो अमृत बगीदास सुस्वादु दुग्धो, आपको शायद याद होगा जब पृथु महाराज का सामने सारे प्रजा आकर रोना धोना शुरू, महाराज कुछ तो व्यवस्था करो, मेरा रोजी रोजगार नहीं है, क्या खाए क्या पिए व्यवस्था करो, सारे इकोनॉमी को व्यवस्थित करो। पर क्या हुआ, बोले जमीन पे कोई अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। अरे अनाज क्यों नहीं है, बोले कौन जाने क्यों नहीं है, अरे क्यों नहीं है अनाज, फल फूल नहीं दे रहा, बोला तो महाराज आएगी। और ठीक है छोड़ो रुको, पृथ्वी महाराज अपना सर धनु को उठाकर भागा पृथ्वी मैया को ऊपर। हे मार डालेंगे, क्यों हमको मार रहा है, बोले मारेगा नहीं तो सब छुपा लिया, क्यों नहीं दे रहा है, दे रही है क्यों नहीं, दे। बोले महाराज क्षमा करो, आप मेरा पालक हो, आप ही मेरे को मारना शुरू कर, तो क्या करे, मारेगा नहीं तो पूजा करेगा, तो मारोगे कैसे, पर छुपा लिया क्यों, पर क्या कैसे हम दे, बोलो सारा धरती पर यू नो अव्यवस्था फैले हुए हैं, तमाम सारा कामुक व्यक्ति सब मेरे को भोगना चाहता है कि क्या हम क्या करें, हैं हम क्या करें, कैसे दे, हम बचेगा कैसे, हमारा बात तो सोचो। ठीक है तुम्हारा हम सोचेंगे, तुम दो जल्दी दो, ठीक है, तो एक काम करो, हम सारे दुग्ध जो है हम बंटन करते रहेंगे, है ना पयो, लेकिन आपको वत्सो जो है चुनना पड़ेगा, ऋषि मुनि को चुना है वो वेद आदि उपनिषद को रखने के लिए, पुनः संस्थापन के लिए, है ना, ऐसा करके एक एक करके तमाम चीजों को धरती देवी पिछु महाराज का संत धर दिए। बोले चलो महाराज मारो मात, देखो व्यवस्था करो, जैसे कि अव्यवस्था ना रहे, और शूद्र लोग सो मेरे को भोगना चाहता है, अन्याय है, अत्याचार है, असत्य है, हम कैसे जिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा भारी दुख जो होती है जब असत्य है, जब मक्कार चोर बदमाश मक्कार लोग सब भोगना चाहता है पृथ्वी, कोई भजन नहीं है, कोई पूजन नहीं, संत महात्मा तो ये हमारा जीवन जिंदगी का आधार है, उसको ही लात लगाने के, अरे भगाओ यहां से, रखो मत, ये सब बोलता है, इसको भगा दो, गुंडा लगा दो चले जाए, गुंडा लगा दो चले जाए दूसरा के, अरे गुंडा क्या लगाएगा, वो ऐसे ही चले जाएगा, तेरा गुंडा तेरा जिप में रख ले, तेरा पैसा तेरा गुंडा, वो ऐसे ही चले जाएगा, सारा दुनिया जिसका खुला है मैदान, सारे दुनिया जो है ठाकुर जी का भजन का बैकग्राउंड है पूरा, तो क्या तेरा इमारत में रहने के लिए आए है उल्लू, तू सोचा कि मेरा माफी किया है सब, अगर संत महात्मा नहीं रहे तो सूरज चंद भी नहीं रहेगा, सारे खत्म, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्सो सुधीर भक्त्या दुग्धम गीतामृतम दुग्धो गीतामृतम महत, ये सोच के रखना। इसका बाद एक भरोसा है कि हम जितना भी मूर्ख है, जितना भी पंगु है, अपाहिज है, लेकिन हमारा तो भरोसा है, क्योंकि पराशर सुतो वैसदेव का शाश्वत वाणी कभी झूठा नहीं हो सकता, यहां बताया गया ना उनका जवान में तो सरस्वती चैतन्य वाणी सरस्वती कृष्ण वाणी सरस्वती कहती है ना, मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयति गिरिम, ये किसने बोला, हमने बोला क्या, ये तो लिखा है, अब आप भी कहते रहते हो डेली, अरे मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयति गिरिम, मुखस्त कर लिया क्या, महामंत्र मुखस्त है पागल, मुखं करोति वाचालम है तो मुखस्त कर लिया, अरे और इसका अनुभव नहीं है, मुखं करोति वाचालम पंगुं लंघयति गिरिम यत कृपा तमहं बंदे परमानंद माधव, ये बोलने के लिए तो खड़ा हो गया, अनुभव नहीं है, हम तो क्षुद्र जीव है, गीत का क्या साधन ले, और तो माधुर्य तो दूर की बात है,
कैसे अनुभव करे, बोले इसीलिए तो शरण लिया, इसीलिए तो ठाकुर जी का शरण लिया कि पंगु जो है पाइज है बड़ा बड़ा हिमालय को पार कर सकता है गुरु, हमने खुद साक्षी है, आई माई सेल्फ ऑन एविडेंस, गुरु जी का कहने से कहाँ कहाँ नहीं गया हिमालय के चट्टी में, आप जाओ तो पागल बन जाओगे, जा नहीं सकोगे, कहाँ गोमुख है, गोमुख के ऊपर कितना बार गिर गया, और गिरे तो गिरे एकदम नीचे जा सकता, लेकिन गुरु जी पकड़ लिया, कितना बार ऐसा हुआ गिरने का, और गिरे तो गिरे एकदम कोई ट्रेस नहीं है, कहाँ गया श्याम बाबा, राम बाबा हो गया पूरा, लेकिन गुरु जी बचा लिया, गिरते गिरते बचे, वो बर्फी का बर्फ का पहाड़ है, वो एक बार पाप पिसल जाए तो गया तो गया, ठाकुर जी बचाया, गुरु जी बचाया, गुरु जी का नाम लेते रहे, गुरु का शक्ति क्या है ये मेरा जिंदगी में अनुभव करके देखा है, एहसास करना जरूरी है, बिना अनुभव कोई बात को बोलना जरूरी नहीं, उचित नहीं, उचित नहीं होगी, इसलिए शरण लिया ठाकुर जी, आप समझाओ क्या लिखा है क्या नहीं है, आपका शरण में गया तो ठीक, चलो अनुभव तो जरूर कुछ ना कुछ आएगा, और उसका बाद विश्वनाथ चकुदिया भक्ति विनोद ठाकुर है तो कृपा नहीं करेगा क्या, जरूर करे, ये जो अभी महाभारत का प्रवचन जो है, ये महाभारत लिखा था व्यासदेव जी महाराज, लेकिन महाभारत का जो प्रवचन है वैश्यपायन ऋषि अश्रोता है जन्मजय, ये विचार करके चलो, और कुरुक्षेत्र युद्धों का शुरुआत में ये जो स्थिति पैदा, भगवान बहुत बार कोशिश की कि ये युद्ध ना हो, ऐसे तो मन में जो विचार ठाकुर जी का है तो वो है ही है, क्योंकि अगर युद्ध ना हो, गीता ना आए, महाभारत ना, कैसे हो सकते, वो तो होना ही है, फिर भी बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो ठाकुर जी समाधान निकालने के लिए बहुत सारे कोशिश की, यहां तक कि मैसेंजर बन के, दूत बन के कौरवों के पास पहुंचा, अंध धृतराष्ट्र के पास, महाराज बस करो युद्ध बुद्ध, अपने ही आप खानदान है, खानदान उजाड़ जाएगा, लड़ाई करके क्या फायदा है, बंद करो, और क्या करे हमारा लड़का सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप पुत्र स्नेहों में अंधा बन गया, बाहरी दृष्टि में तो आप अंधा हो लेकिन अंतर में भी अंधापन आ गया, क्योंकि अब पुत्र का उनको स्नेह है, ऐसा स्नेह क्या उचित है, विदुर जी महाराज बड़ा सुंदर, विदुर जी का जो उपदेशावली अनोखा है, तमाम उपदेश विदुर जी महाराज अंध धृतराष्ट्र अपना बड़े भाई के लिए बार बार बोला, महाराज मेरा बात आप सुनना, मेरा बात को टालना मत, नतीजा खराब है, दुर्योधन का बात कभी नहीं सुनना, ये बदमाश, ये कली का अंश है, दुर्योधन का महाराज, दुर्योधन का मात बिल्कुल दुर्योधन का बातों में नहीं आना, महाराज कौन सुने, अंध धृतराष्ट्र कह रहे कि भैया ये तो मंत्री बन के बैठा हुआ है, तो आप जो उपदेश कर रहे हो तो सही है बिल्कुल एकदम साइंटिफिक विज्ञान भित्तिक, लेकिन क्या करे मेरा मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है, बोले मेरा मन जो है मानता नहीं, वो हमारा लड़का का ही बात हमको अच्छा लगता है, तो जो मर्जी है करो, हम क्या करें, हम तो चल दिए भाई, तमाम उपदेश विदुर जी महाराज युधिष्ठिर आइए तुम्हारा आपका अंध धृतराष्ट्र के लिए कितना सुंदर सुंदर वैदुरुकम इसको वैदुरुकम विदुर का प्रवचन उपदेशावली, लेकिन माने कौन, इतना सुंदर उपदेश दिया, तमाम जिंदगी में समान उपदेश दिया, लेकिन सुने कौन, अब बोलने का समय मतलब आप तो ठीक ही कह रहे हो, को आपको लगता है कि आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मजबूरी है, मेरा वो लड़का को स्नेह है दुर्योधन को, क्या करे,
करने दो, ठीक है चलो, तो आपका कर्म का फल आप भोगो, हम तो चल दिए। जो बात बोलने में आसान है करने में उतना आसान नहीं है, ये तमाम दुनिया के लिए ये बात पक्का है जो जो बोलने के लिए आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लेकिन ये संत महात्मा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, जहां तक वो लोग अनुभव करते हैं वहां तक करते हैं, वहां तक बोलते हैं, ये एप्लीकेबल, ये साधु महात्मा का लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कह नहीं सकते कि प्रभुपाद बोल दिए बहुत आसान है, बोलने में करने में बहुत कठिन है। आजकल का आदमी बोल रहा है अरे प्रभुपाद का बात माननी चाहे तो गौरिया मठ चले, तू घर चले जा, कौन तेरे को बोला गौरिया मठ में आने के लिए, ऐसा बोलता है महाराज। अरे गौरिया मठ आजकल जो गौरिया मठ चलाना बहुत कठिन है, अगर प्रभुपाद का बात मानने जाए तो गौरिया मठ नहीं चलेगा, और गौरिया मठ जरूर चलेगा, तेरा राज नहीं चलेगा, तू घर चले जा। सब सब गौरिया मठ का सत्यानाश करने के लिए जुटे हैं एक जगह, बदमाश नहीं चलेगा क्या? ये लोग लेक्चर देता है क्या? प्रभुपाद लेक्चर देता है, भक्ति मठ ठाकुर लेक्चर देता है, क्या बोलना चाहता है तू? तो लोग क्या बोलना चाहता है? भक्ति में ठोक लेक्चर दे रहा है, अपना अनुभव में नहीं है, किया नहीं कुछ। प्रभुपाद जी जो संत महात्मा प्रवचन देता है वो क्या खाली प्रवचन है? अपना जीवन में करके दिखाया नहीं कुछ, प्रैक्टिकली किया तब तो बोल रहा है। हर आदमी खाली प्रवचन देता है क्या? ड्राई फिलोसॉफी, क्या सोच के रखा है? तो तुम्हारा मापिक सारे दुनिया है। बोलना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है, ये मेटेरियल आदमियों के लिए एप्लीकेबल है। शास्त्र नीति बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी का शास्त्र बनाने जाओ तो कितना कठिनाई है। हेल्थ पॉलिसी बनाने जाओ तो बहुत इजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्थ को कर, अरे कोरोना पैदा हो गया सब जानकारी है, पैसा खा के बैठा है हराम खोर, दुनिया में फैला दिया सारे विपत्ति, ऐसे ये तो है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खुद का शास्त्र नहीं है। और हम तो है नो अपराकी जगत में, जो भजन जगत में तो हमारा चित्त शास्त्र का जरूरी है। ये हेल्थ तो मोटा हो सकता है घी मक्खन खा के, वो हेल्थ देके क्या करे, हमारा तो चित्त शास्त्र। प्रभुपाद कहते हैं ये जगतेर बद्ध जीव गणे चित शास्त्र उद्धारे जन्य हमारे गैलन गैलन रक्त व्यय करते हैं, कौन सुना, कोई सुना? हमारा गौरिया मठ का एक एक जो नौजवान है सबको ये तमाम दुनिया का जो शास्त्र है इसको उद्धार करने के लिए गैलन गैलन खून को देना है, तैयार होकर बैठो तब तू गौरिया मठ का हो। आया बड़ा गौरिया मठ का, गौरिया मठ का हो तुम, दिखाओ तुम्हारा क्या सिंटम है, तुम गौरिया मठ का हो, बोलने का भी हिम्मत नहीं है, परिचय देने का भी हिम्मत नहीं है, तो गौरिया मठ का हो, क्या किया, क्या किया तुम गौरिया मठ के लिए, गौरिया मठ का हो बोल के रखा, अरे बाप रे बाप, बड़ा सम्मान, गौरिया मठ का हो मैं, अरे बाप, सब कमाने में जुटे हुए हैं। हेल्थ पॉलिसी शास्त्र नीति बोलना बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स अर्थनीति इसमें परीक्षा में पास करना बहुत इजी, हमारा मेमोरी अच्छा है लिख दिया, शास्त्र नीति हेल्थ पॉलिसी, अरे महाराज परीक्षा में 99% आया मेरा, वो तो आया लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाओ, दो चार लात लगेगा हैं छाती में, जानते हो कितना कठिनाई है। शास्त्र मुखस्थ करना बहुत ईजी है, लेकिन जो संत महात्मा अपना जीवन जिंदगी में पालन करके अपना आदर्शों का रख के बता रहे हैं कि क्या दोगे उसको, ये लोग कुछ मांगता नहीं तुमसे, तुमसे कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रॉफिट लेके बैठा हुआ, तब बताएंगे। दुनिया का आदमी का मंगल हो जाए, तमाम दुनिया का मंगल हो जाए, यही उसका मकसद है और कुछ नहीं है। हेल्थ पॉलिसी शास्त्र नीति अर्थनीति परीक्षा में पास करना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली
करने जाओ तो देखो कैसा फल है। ऐसा एक चमत्कार अवस्था है। अर्जुन बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है ठाकुर जी के सामने में, ठाकुर जी सुनते रहा है। जब तक वो चुप ना करे, दोनों एक साथ बोलना तो ठीक नहीं है। अर्जुन बोलते गए, ठीक है बोल तू, तेरा बोलना बोलती कब बंद हो हैं? तब हम बताएंगे। बड़ा पंडित का माफी बात कर रहा है। ठाकुर जी अंतिम में उसका बोलती बोलती बंद कर दिया। चुप, ज्ञानी का माफी प्रवचन दे रहे हो। और ठाकुर जी देखा ये तो हालत बहुत खराब है। त्वं तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाक्युलेक्षणम पिशदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। त्वं तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाक्युलेक्षणम पिशदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। आप ठाकुर जी अपना जवान को खुले हैं, बड़ा आशा है हमारा अंदर में। स्वयं भगवान आज तक तो सुनते आए कि वाल्मीकि उवाचो, वशिष्ठ उवाचो, शंकर उवाचो, नारद उवाचो, सारे ऋषि उवाचो, ऋषि उवाचो, ऋषि उवाचो, अब मधुसूदन उवाचो, अब स्वयं मधुसूदन। हम मधुसूदन क्यों बताया, कृष्ण बोलने से ही हो जाता? नहीं महाराज, एक एक शब्दों जब व्यवहार किया गया, जब जब अर्जुन को पार्थ बोला, इसका अंदर में गहरा रहस्य है। जब अर्जुन को हे पार्थ ऐसा बोल के पुकारता है ना, उसका अंदर भी राज है, कुछ रहस्य है। तो क्या रहस्य है? वह प्रीथा बोल के पकड़ने से अपना बुआ का नाम उतार, अपना बुआ का नाम पकड़ के बोलने से अर्जुन का अंदर में एक दूसरा माहौल पैदा हो जाएगा। मेरा माताजी का नाम प्रीथा, इसकी नाम पकड़ के मेरा दोस्त कृष्ण मेरे को कह रहे हैं कि कितना स्नेह का अनमोल स्नेह है। हे अर्जुन, कभी कभी अर्जुन, कभी कभी यू नो सब्यसाचिन, सब्यसाचिन मतलब जिसका दो हाथ समान चलता है, डायना बाया, गुड़ा केशो मतलब जिसको सोने का जरूरत नहीं है। सोने का जरूरत मतलब क्या है? मतलब विश्राम लेने का जरूरत। आपने दो घंटा प्रवचन सुना तो तीन घंटा सो लोगे, अभी बड़ा बड़ा भारी प्रवचन सुना ना माथा खराब हो गया, सो लो दो चार घंटा ऐसी में, ये तुम्हारा विचार है। लेकिन अर्जुन का सोने का कोई दरकार नहीं है, इसलिए उसका नाम गुड़ा केशो। निद्रा को जय की, निद्रा को जय करके रखा है, इसलिए उसका नाम गुड़ा केश है। सब साची मतलब दो हाथ समान चलता है, हैं? परंतप मतलब है परपक्ष, परंतप का मतलब परपक्ष को एकदम नंगा बना देने के लिए इतना पावर है। परंतप अपना प्रताप को स्थापित कर देंगे, इतना पावर है देख मुझ में, इसका नाम परंतप। ऐसा ऐसा एक एक नाम का, इसका एक का भी विशेषण जो है, नाम तो है ही है, ये नाम का पीछे भी एक रहस्य है। यहां जो विशदंतम इदम वाक्यम, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन क्यों बोला? बोले मधु ये शब्दों का अर्थ है इंद्रियों का तृप्ति। हमारा मन में जो आए वो करे इंद्रियों का तृप्ति का लिए, इंद्रियों जो कुछ है मन का सेटिस्फेक्शन, सारे आपस में हिलमिल, आपस में हिलमिल है सब। और मधु शब्दों का अर्थ है जो अल्टीमेट चीज प्राप्त करना चाहिए, उसको एसेंस एंजॉयमेंट, मन का भी आनंद हो जाए। मधुसूदन सूदन सूदन उसको, इसको निषूदन सूदन मतलब उसको मारना, अपना मनमानी चलना बंद कर देना, अपना इंद्रियों का जो विवश होके जो क्रियाक्रम करने जाओ उसमें बंधन छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। इसको हटाने वाला जो है ये जो मधु और इंद्रियों का तृप्ति को हटाने वाला, नाश करने वाला ये सूदन मधुसूदन। इसलिए इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों का भोगने वाला जो विषय है, इसका ऊपर
और कुछ लालसा बचेगा नहीं अगर मधुसूदन का कृपा मिले। मधुसूदन का अगर कृपा मिले, जड़ वस्तु विषयों में जिसका में तो लगन है, इतना व्यसन है, लालसा है, ये अतिन्द्रिय अधक्षज वस्तु मधुसूदन काल इसका व्याख्या करे, हम आज तो समय नहीं परमिट करे बोलने के लिए, बहुत सारी इच्छा ठाकुर जी का और लालसा नहीं बचे, इसका लिए मधुसूदन शब्दों का व्यवहार किया। मधुसूदन शब्द बोल के ये बोलना चाहता है व्यासदेव जी महाराज, जे मधुसूदन अभी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक आप तक इंद्र अर्जुन अपना मनमानी चला है, तो ठाकुर जी के लिए प्रेम तो है ही है, लेकिन एक कहावत है देखो ये कह रहा है, तो आज जैसे लगता मानो कि लगता है ठाकुर जी जितना सेंस ऑर्गन का मानसिक जो चंचलता बेचैनी सारे हटाने के लिए उतर आए हैं मधुसूदन के रूप में, ये मधुसूदन है। महाभारत का आदि पर्व होके भीष्म पर्वक तक भगवान वाचो भगवान वाचो ये मिला, किंतु ये जो प्रवचन है ये भगवान का आसन से बोला नहीं, मेरा बात समझा नहीं आप, कभी कभी खेल खेल में मजेक में ऐसा आता है कि भगवान अर्जुन को ये बोला, लेकिन भगवान का जो खुद का जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर भगवान ने, भगवान दोस्ती का खातिर बोला, मजाक किया बहुत सारे ये किया, लेकिन ये सब भगवान का प्लेटफॉर्म पर ऊपर खड़ा होके अभी जो है बोला तो बहुत कुछ है। महाभारत में आदि पर्वों से लेकर भीष्म पर्व तक बहुत बार ये भगवान वाचो ऐसा है, लेकिन ये जो भगवान का जो खुद का जो आसन है, चेयर है, डिग्निटी है, अपना जो पोजीशन है, इसका तरफ से भगवत्ता को प्रकाश करके जो बात बोलना, जिसके लगे कि ठाकुर जी अभी बोल रहा है, अर्जुन तो बहुत सारा खेलकूद किया, मजाक किया, गाली दिया, बाद में तो क्षमा मांगा, अरे क्षमा करो, हम तो सोचा कि आप दोस्त है, बहुत सारे हैं, भोजन में सोने में उठने में चलने में बहुत सारे मजाक किया आपका साथ, तब तत्क्षमस्य तत्क्षमा करो, मतलब अर्जुन सोचा ही नहीं कि ये साक्षात भगवान, समझा नहीं ये साक्षात भगवान है, अगर बोला भी है भगवान है तो है, क्या है, तो दोस्त तो है ही मेरा। अब ये पहली बार के लिए ये दिखाई पड़ता है कि मधुसूदन उवाचो उवाचो मधुसूदन, साक्षात भगवान अपना ही प्लेटफॉर्म का ऊपर खड़ा होकर भगवत्ता, अपना जो भगवत्ता, ये प्रवचन भी भगवान का भगवत्ता है, क्या है ये गीता, क्या है गीता हृदयम मामो, ये बोलने से क्या प्रसाबित होता है, गीता और भगवान अलग है क्या, अलग नहीं है। बहुत सारे बार ऐसा हुआ सखा बन के बहुत सा खेलकूद किया, है ना, मित्र राजदूत बन के गया, कभी उपदेशक बन के लिया, मंत्रणा किया बहुत, अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये उपदेश गुरु का प्लेटफॉर्म है, ऐसे तो हम लोग सब जानते ही है कृष्ण कृष्ण गुरु है, तो कृष्ण गुरु है आप जानते हो सुने होंगे, लेकिन अनुभव किए कृष्णम मंदे जगत गुरुम, ये तो बोला है बहुत बार लेकिन अनुभव किया। अब देखो ये गीता प्रवचन में अर्जुन का थोड़ा बहुत धक्का लग गया, पूरा वो अपसेट हो गया, अर्जुन का पूरा सारे जितना सारे फाउंडेशन है तोड़ मोड़ के एकदम नया फाउंडेशन बन गया। फिर भी गीता हमने बताया था उस दिन, ये अर्जुन कह रहे कि आज सखा मेरा नहीं है, चला गया, वंचित अहम हरिना बंधु रूपिणा। अब गीता का संग्राम मूर्धनी करक्षित संग्राम का सामने सामने जो प्रवचन किया उसका जो मसला है पक्का डाइजेशन आज हो पाया, आज हो पाया, आज आज नहीं है, मेरे को वंचना करके चला गया। तो आज ठाकुर जी का जो प्रवचन है इसके द्वारा अर्जुन का हृदय का तोड़ मोड़ करके पूरा नया विनाश
सेटअप करके उसको ऐसे समझाया ठाकुर जी कि हमारा सामने एक बड़ा भारी प्रीचिंग है। इतना बड़ा प्रीचिंग गौरंग महाप्रभु जी ने किया सनातन को साथ लेकर, रूप गोस्वामी को साथ लेकर, या राय रमानंद जी को साथ लेकर, या तो प्रकाशानंद को सामने लेकर। ये प्रवचन तो है, ये जो सबसे बड़ा प्रचार है, प्रवचन है, ये अनंत काल के लिए हमारा संपत्ति बन के रह गया। प्रभुपाद जो बोल के गया अनमोल है, वो तो गया बोल के गया। इसी में हम लोग प्रभुपाद को दिखाई पड़ेगा। संत महात्मा का प्रवचन ऐसा है, ये अगर सामने नहीं है लेकिन इसका वाणी पे उसका स्वरूप को पता चलता है। वाणी स्वरूप को सबसे बड़ा चीज है। पूरा तमाम गीता का अगर रहस्य माधुर्य ध्यान अगर करोगे तो हैरान हो जाओगे। महाराज कभी सोचा ही नहीं कि इतना सारे गहरा विचार है, इसके अंदर में संपत्ति है। समुन्द्र का ऊपर 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 देखोगे, लहर 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 विपत्ति, लेकिन अंदर में जाओ डुबकी लगाओ, समुन्द्र को रत्नाकर बोला जाता है। समुन्द्र को क्या दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर। समुन्द्र का गहरा में जाओ तो हीरे जवरत सब कुछ मिलेगा, संपत्ति, हीरा मणि मुक्ता ये सब अंदर में है, लेकिन ऊपर से लहर लहर लहर। ठीक है, विचार करो और सोच के रहना कि भगवत भजन करने से सारी समस्या का समाधान, गुरु वैष्णव का चरण में शरणापत्ति सबसे बड़ा समाधान। गीता का एक विशेष है, ये बोलना चाहूँ मैं कि ये हमने जो वचन शुरू किया, हमने बोला कि इस जगत में डायरेक्टली ठाकुर जी का कृपा मिलना संभव नहीं, तत्प्रकाश तत्शक्ति। तब महाराज गीता में डायरेक्ट भगवान अर्जुन भगवान का कृपा, ये स्पेशल केस है, इसके लेके माथा पीछे मत करो, ये स्पेशल केस है। तो दोस्त है, ये अपना दोस्त है, पार्षद है, उसको लेकर नाटक किया। लेकिन दुनिया भर का जितना कृपा जहां भी आए हैं सारे तत्प्रकाश तत्शक्ति, ये माध्यम हमारा पास कृपा आने का संभावना भरपूर है। अब हमारा अंदर में अभिमान गया तो आफत गया, और नहीं तो मरो, क्या करे क्या करे। सो विचार ये है, जथा तरर मूल निशेचने न तिप्पन्ति तत्कंद हुजोपशाखा प्राणोपहारस्य जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हननम अच्युतेज्या वांछा कल्पतरुवश्य के पासिंद व्यवश्य पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।